23 जुलाई को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। इस बजट से देश के आम नागरिकों को भी बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में एनडीए सरकार कई सौगातें भी दे सकती है। आगामी बजट को लेकर देश के अलग अलग वर्गों के लोगों की क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जो बजट आने वाला है उससे मेरी छोटी छोटी एक अर्बन फीमेल होने के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो धर्मशालाओं पे और हॉस्पिटल्स के रूम पे GST लगे हुए हैं, हमारे यहाँ लोग पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं और भी कुछ रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, तो उस पर जो GST लग रहा है अगर उस पर कुछ सरकार रियायत दे सके, और जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो पैकेज फूड्स पे GST लग गया है उस पर सरकार रियायत दे। मेरा मोदी सरकार से इस जो बजट आने वाला है उससे ये उम्मीद है एक सैलरीड एम्प्लॉय से कि जो हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउसिंग लोन में जो हम पे करते हैं उसका न्यू टैक्स रिजाइम में अभी तक कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो उसमें आपको उसका कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार से हमें यही गुजारिश है या एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें इस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। मैं ये बताना चाहूँगी मोदी सरकार से कि 2016 में 8वां वेतन करके प्रपोज्ड हुआ था, वो अभी तक आया नहीं है, जो कि हमारे सैलरीड पर्सन जो हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता। तो मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार इस पे काम करे और इसे लेकर आए जिससे कि जो सैलरीड पर्सन हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, उस पे कायदे से काम किया जा सके। जिन लोगों का MSME में रजिस्ट्रेशन है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं MSME, तो अगर रजिस्ट्रेशन है उनका MSME में तो सरकार से ये उम्मीद है कि उनको चाहे नया बिजनेस है या पुराना है, उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया या पुराना है, उनको लोन की सुविधा दी जाए। और लोन भी ये नहीं कि कागजी कार्रवाई में सिमट के रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है लोग दौड़ते रहते हैं और उनका काम ही नहीं होता है, आज तारीख दी गई, कल आइएगा, परसों आइएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, तो उसको लोन फास्ट ट्रैक के उस पर दिया जाए कि काम जल्दी से जल्दी हो और उनको फंसाया ना जाए कि बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं लोग और नहीं हो पाता है, फिर आखिरी में कोई कोई तो हार मान के बैठ जाते हैं, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। हमारे प्रदेश में नौकरी की समस्या, इसलिए वहाँ पे कुछ रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग को महाराष्ट्र आना पड़ता है, वरना योगी सरकार और एक बार आ जाए तो फिर हम यहाँ पे आना कम ही कर देंगे इस बार। हाँ, बनाना चाहिए वहाँ के लिए रोजगार। अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे मुंबई में ही बेहतर इसमें नौकरी नहीं कहीं, इसलिए मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। सरकार बनाना चाहिए योजना कुछ ना कुछ। काम न करने की नौबत है? नहीं, शुरू से पहले से यहाँ पे मुंबई में जॉब करते हैं, इसके लिए यहाँ पे करना पड़ता है। कितने सालों से हैं आप? मेरे हो गए 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिलता है, गाँव में मिलता है, गाँव में सब कुछ मिलता है। PM आवास योजना में मेरा मकान भी आया है। तो क्या सरकार की योजनाओं में क्या कहोगे? ठीक है, अभी राजस्थान की योजना जो भी है ठीक चल रही है। सरकार की जो आवास PM आवास योजना है या आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी ऐसी योजनाएं जो गरीबों को मिल रही हैं, तुम लोगों को हासिल हुई हैं, तो क्या कहना चाहोगे सरकार की योजनाओं को लेके और क्या सरकार कर सकती है? उसके हिसाब से ठीक है, सरकार जो घर दे रहा है सबको, तो गरीबों को घर दे रहा है तो गरीबों के लिए ठीक है। कहाँ गरीबों बोल रहे हैं कि भलाई नहीं करता, भलाई तो करता ही है। चौल गाँव गेहूँ ये सब तो मिलता ही रहता है। आपको घर मिला? रोजगार UP में होता तो हम यहाँ से थोड़ी आते हैं। अब रोजगार नहीं है तो भी यहाँ आ रहे हैं। आपकी कमाई कितनी कर लेते हैं, कितना बचा पाते हैं, कितना खर्च करते हैं, क्या है उसके बारे में बताइए? कमाई वही है, बस खाना पीना बस वही इतना है, और कितना कमाई है कमाई तो सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? आपका वर्ग कितना, मतलब सरकार वही करे, रोजगार दे तो हमें आना। सरकार अगर हमारे लिए वहाँ हर सुविधा देगी तो हम लोग वहाँ काम करेंगे, वहाँ भी अपना जैसे 10 रुपया यहाँ कमाते हैं वहाँ 5 ही कमाएंगे तो 5 में पूरा होगा। यहाँ आने की क्या ज़रूरत, अपना किराया भाड़ा हर चीज़ खाना पीना सब उसमें चला जाता है पूरा। हमें जो है उत्तर प्रदेश में अगर लाइट की व्यवस्था अगर बेहतर मिले, जो हमारे मुख्यमंत्री हर बार सरकार जो बनती है बोलते हैं रोजगार देंगे, मतलब ना रोजगार देते हैं ना कुछ देते हैं, खाली वैकेंसी निकालते हैं जो वो भी लीक हो जाती हैं। और उसके बाद हमें 1500 किलोमीटर चल के यहाँ जो है मुंबई आना पड़ता है,
और उसके बाद हम लोगों को यहाँ मतलब अपने यहाँ से आके यहाँ काम करते हैं। अगर हमें वहाँ अगर लाइट की व्यवस्था अगर बेहतर मिले तो हम लोग ये काम जो यहाँ कर रहे हैं मुंबई में, हम वहाँ कर सकते हैं।